पंजाब के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अब साइबर सिटी गुरुग्राम में विदेशी हथियारों के सबसे बड़े कुख्यात तस्कर मनीष भारद्वाज को सड़क के बीचों बीच दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इस वारदात का न्यू कॉलोनी में अंजाम दिया गया और हैरानी की बात यह है कि इस घटना को अंजाम भी उस शख्स ने दिया जो मनीष भारद्वाज की कार में उसी के साथ बैठा था। जी हाँ, इस पूरी वारदात के पीछे क्या वजह थी ये तो अभी साफ नहीं हो सका, मगर सूत्रों के माने तो इस घटना को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। विदेशी हथियारों के कुख्यात तस्कर मनीष भारद्वाज को उसी के किसी करीबी ने मौत दी है, मगर वो कौन है इसका खुलासा होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि मनीष भारद्वाज के साथ आरोपी भी उसी की गाड़ी में बैठा था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने मनीष के सिर में सटाकर गोली दाग दी। जानकारी के मुताबिक मनीष को गोली मारने के बाद आरोपी तुरंत गाड़ी से उतर गया और उसके पीछे पीछे आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। बता दें कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया गया है उससे साफ है कि इस घटना की प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी। बहरहाल पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, मगर इस घटना को जहां गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है तो वहीं पुलिस की लचर सुरक्षा व्यवस्था आम लोगों के लिए दहशत का कारण बन रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।